फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई की सब्जी। इसे मैं टमाटर में बना रही हूँ और ये हर किसी को पसंद आती है, जल्दी से बन जाती है, हर सीजन में इसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, तुरई की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा किलो तुरई लिए, 4 टमाटर लिए, 3 हरी मिर्ची लिए और जो सूखे मसाले मैं डाल रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें लाल मिर्ची नहीं डाली जाती है, इसलिए इसमें काला मिर्ची दरदरा कूटा हुआ है वो मैं डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाइए डालिए और घी, इसमें तेल की जगह घी में ये भाजी बनाई जाती है तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाता है। आइए अब हम छीलते हैं तुरई को। इसे हम ऊपर से इतना काट लेंगे और नीचे से इतना काट लेंगे। इसके बाद हम पीलर से इसे छील देंगे। छीलने के बाद इसके हम बारीक बारीक टुकड़े करके पानी में डाल के रख देंगे। फ्रेंड्स, हमने तूरी को छील लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पानी में डाल दिया है। पानी में इसलिए डालते हैं ताकि जब तक हम बनाए तो तूरी काली ना पड़े। और हमने हरी मिर्ची भी बारीक करके काट ली है। 4 टमाटर जो हमने बोले वो हमने काट ली है। चलिए फ्रेंड, हम अभी शुरू कर रहे हैं तुरई की सब्जी बनाना। मैंने ये खुला बर्तन लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 चम्मच के करीब घी और इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, हमारा घी गरम हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा। अब जीरा तड़क गया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची जो हमने बारीक काटी हुई थी। हरी मिर्ची डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे तुरई जो हमने छोटे टुकड़ों में काट के रखी है। तुरई डालने के बाद हम इसे अच्छे से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। पहले हम डालेंगे हरा धनिया, सूखा हरा धनिया जो हमने लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार, अब हम इसमें डालेंगे लाल कटे हुए टमाटर, इन सब चीजों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से घुमा के ढक्कन लगा के इसे पकने के लिए रख देंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक बार तुरई की सब्जी को चेक कर लेते हैं। इस सब्जी में पानी जरा भी नहीं डाला जाता है क्योंकि तुरई की सब्जी अपने आप ही पानी छोड़ती है। ये पूरी बन जाने के बाद हम इसमें काली मिर्ची का पाउडर और गरम मसाला ऊपर से डालेंगे। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने को रख देंगे।
आइए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए, अब हम ढक्कन उतार के इसे देख लेते हैं। हमारी सब्जी लगभग बनने को हो गई है। हम इसे थोड़ा सा मैश कर देंगे, सब्जी का टेस्ट भी अच्छा आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और काली मिर्ची कुटी हुई इसमें डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से हिलाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का। ये खाने में बहुत ही हल्की होती है। इसे हम चावल के साथ, रोटी के साथ, खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। हम 2 मिनट के लिए इसे कम आंच पे रख देंगे। चलिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं, अब ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे।